हेलो एंड वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। मेरा नाम है जय और आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूसी के थर्ड पार्ट को, जो है सी चार्ट। बेसिकली हम लोगों ने एसक्यूसी के पहले दो पार्ट पढ़ लिए थे, जिसमें हमने एक्स बार चार्ट, आर चार्ट के बारे में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जो आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर हमने डिस्कस करा था पी चार्ट और एन पी चार्ट के बारे में, जो यहाँ पर वापस आपको लिंक आता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एसक्यूसी का टॉपिक ख़त्म करते हुए आज उसमें से रिलेटेड लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है सी चार्ट। सी चार्ट बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, यानी यहाँ पर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एन पी चार्ट और पी चार्ट में कि हम डिफेक्टिव आइटम के बारे में बात करते थे, आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स, यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर कई सारी गलतियां हो सकती है, तो उसका नाम है, उसे डिफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक साइकिल अगर हो तो उसमें अंदर कई सारे पार्ट्स लगते हैं। एक लैपटॉप बनाने में भी हजारों पार्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कोई भी एक पार्ट अगर खराब होता है या उसमें से कई सारे मल्टीपल पार्ट खराब होते हैं, डिस्प्ले खराब हो जाता है, कीबोर्ड खराब हो जाता है, माउस खराब हो जाता है, तो उससे वो लैपटॉप चल नहीं पाता, उसमें पूरी यूज उसका हम कर नहीं पाते। इसलिए हम इसमें सी चार्ट बनाते हैं, जिससे हम इन डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर सके, कम से कम कर सके और हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर बना सके। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि सी चार्ट के क्या फॉर्मूले हैं, सी चार्ट कब कब यूज आता है और सी चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, तो हम आ जाते हैं सी चार्ट के फॉर्मूले के ऊपर। सी चार्ट का फॉर्मूला सबसे आसान है, पी चार्ट एन पी चार्ट जो भी अभी तक हमने एसक्यूसी के अंदर मॉडल्स देखे हैं, अलग अलग चार्ट देखे हैं, उसमें सबसे इजी जो है वो है सी चार्ट। सी चार्ट के फॉर्मूले में सबसे पहले समझ लेते हैं सी क्या होता है। सी का मतलब होता है डिफेक्ट्स, एक प्रोडक्ट के अंदर कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो हमें सी से पता लगा, यानी कितने सारे डिफेक्ट एक ही प्रोडक्ट के अंदर है वो हमें सी से पता लगाते हैं, उसकी वैल्यू होती है सी से डिनोट करी जाती है। तो जैसे हमने समझा, इसमें भी एक कंट्रोल लिमिट निकलेगी, कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सी बार, यानी इन डिफेक्ट्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज निकालना काफी आसान है, क्या करना है, सिग्मा सी यानी सी का टोटल कर देना है, डिवाइड बाय एम नंबर ऑफ सैंपल से कर देना है, हमारे पास आ जाएगी इसकी कंट्रोल लिमिट। फिर हमें करना है इसकी अपर कंट्रोल लिमिट, बहुत ही आसान है निकालना, आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ सी बार में प्लस कर देना है 3√C¯। और एलसीएल निकालने के लिए, एलसीएल निकालने के लिए आपको खाली सी बार में माइनस कर देना है 3√C¯। तो ये बेसिकली तीन हमारे पास कंट्रोल लिमिट्स आ जाएगी, एक सेंट्रल लिमिट, फिर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ये सी बार के कंप्यूटेशन के लिए बस इतनी ही वैल्यू हमें चाहिए। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या बता रखा है, ध्यान क्या रखने वाली बात है, यहां पर हमें नंबर ऑफ सैंपल लिए हैं, यानी हमेशा हम एक ही सैंपल को उठाते हैं, यानी हमेशा कंप्यूटेशन के लिए एक ही सैंपल लिया जाता है सी के अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर जब सैंपल नंबर फर्स्ट हमने उठाया, तब उसमें हमने देखा कि 12 डिफेक्ट्स हैं उस सैंपल के अंदर, 12 अलग अलग छोटी छोटी गलतियां हैं जिसे हम डिफेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, सी होता है। तो बेसिकली सेकंड सैंपल में 8 डिफेक्ट्स है, थर्ड सैंपल में 10 डिफेक्ट्स है, इस तरीके के अलग अलग डिफेक्ट्स हैं इन 10 अलग अलग सैंपल के अंदर। जब इन्हें हम कंप्यूट करते हैं, इनका सम निकालते हैं, प्लस करते हैं, यानी 12 + 8 + 10 इस तरीके से हम करें, तो आता है हमारे पास 99। तो इस 99 को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली सिग्मा सी, यानी सी का ये टोटल है। अभी सिग्मा सी हमारे पास आ गया, अब हमें इसकी कंट्रोल लिमिट निकाल लेनी है, बहुत आसान है, क्या करना है सी एल, कंट्रोल लिमिट निकालनी है, सी एल आएगा इस तरीके से सिग्मा सी अपॉन एम, ठीक है। सिग्मा सी क्या, हमारे पास 99 है, तो यहाँ 99 लिख देंगे, और एम है हमारे पास 10, नंबर ऑफ सैंपल टोटल कितने हैं हमारे पास 10, तो एम हो गया 10, तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास लिमिट आ जाएगी 9.9, यानी सी बार जो हो गया वो हो गया 9.9। अब इस पर्टिकुलर चीज का यूसीएल निकाल लेते हैं। यूसीएल निकालने के लिए अपर कंट्रोल लिमिट फॉर्मूला बहुत आसान है, सी बार प्लस 3√C¯, इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, 9.9 सी बार की वैल्यू है, लिख देते हैं 3 उसका रूट और 99 का स्क्वायर रूट निकाल के हमें प्लस करना है। तो अल्टीमेटली जब हम इसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19.34।
तो अब हम इसकी एलसीएल निकाल लेते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट अगर हम निकाले तो उसका फॉर्मूला बनेगा सी बार माइनस 3√C बार। अब क्या हो रहा है यहां पर, हमें 9.9C बार की वैल्यू माइनस 3√9.9। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, एलसीएल की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, उसे जीरो लेना पड़ता है। अगर आप इसे कंप्यूट करोगे इस वाली वैल्यूज को तो हमारे पास ये कुछ नेगेटिव में आएगी, तो बेसिकली हमें इसको जीरो ही मान लेना है। तो हमने कंप्यूट कर ली तीन वैल्यू, सीएल कंट्रोल लिमिट, यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट और एलसीएल जो कि जीरो आई, ये कंप्यूट कर ली। अब हमें इसके मदद से एक चार्ट बना देना है जिसे हम बोलेंगे सी चार्ट। चलिए आ जाते हैं सी चार्ट के ऊपर। तो आप लोगों के लिए एक सी चार्ट हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनता है सी चार्ट, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है यूसीएल एलसीएल, उन्हें आप पे प्लॉट करते जाना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज है उसे हम देखते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा हमने निकाला था सीएल और यूसीएल। सीएल जो निकली हमारी 9.9, कंट्रोल लिमिट है 9.9, यूसीएल है 19.34 और एलसीएल तो जीरो ही आ गई है। तो हम इसे प्लॉट कर देते हैं। चलो हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर देखते हैं, हमारे पास सीएल जो थी वो थी 9.9। तो देखिए 9.9 अराउंड यहाँ 10 के पास आता है, तो हम इसे ड्रॉ कर देते हैं 9.9। ये आ गई हमारी सी एल कंट्रोल लिमिट। अब हमें यूसीएल प्लॉट करनी है। यूसीएल प्लॉट करेंगे, उसकी वैल्यू अराउंड 19.9 कुछ है उसकी वैल्यू, तो हमें यहाँ पर उसको बना देनी है यूसीएल वाली लाइन, यानी उसकी वैल्यू है अपर कंट्रोल लिमिट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारा एलसीएल तो जीरो ही है, तो हमें ये जो नीचे वाली लाइन है ये वाली जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं वो हमें ले लेनी है, यही हमारा एल सी एल हो जाए। चलिए तो हमने यहां पर वैल्यूज देख ली। तो अब हम सी चार्ट के अंदर सारी की सारी वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यू दे रखी है हमारे पास 12, तो 12 को देखते हैं। 1 के सामने 12 यानी यहां पर आ जाएगा अराउंड। उसके बाद सेकंड वैल्यू है 8, उसके बाद थर्ड वैल्यू है 10, फोर्थ वैल्यू है हमारे पास में 16, फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 14, सिक्स्थ है 10, सेवेंथ है हमारे पास 2, एट वैल्यू हमारे पास 8, एट वैल्यू हमारी 6, नाइन्थ वैल्यू है 12 और 10th वैल्यू है हमारे पास 9। तो इसको हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें इन वैल्यू को इंटरकनेक्ट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू यूसीएल या एलसीएल के बाहर आई है, या तो फिर ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। चलिए इसे कनेक्ट करते फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठ, नौ, 10। इस तरीके से वैल्यू हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ जो देखने को मिल रहा है कि सारी के सारी वैल्यू यूसीएल और एलसीएल के अंदर ही आ रही, यूसीएल और एलसीएल के बीच में आ रही सारी वैल्यू, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। किस तरीके से हमें नोट डाउन करना है, चलो देखते हैं इसका कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाएगा। कंक्लूड करें, इंटरप्रेट करें कि इसका मतलब क्या निकला, सारी वैल्यू अंदर आई तो उसे इस तरीके से लिखेंगे कि इन द सी चार्ट ऑल द पॉइंट फॉल बिटवीन द कंट्रोल लिमिट, दैट्स व्हाई इट्स द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल एंड देयर इज ओनली चांस कॉजेस इन द प्रोसेस। यानी कोई असाइनेबल कॉज नहीं, सिर्फ चांस की वजह से प्रोसेस में अलग अलग ऊपर नीचे वैल्यू आई है, बाकी सारा का सारा प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल है। तो हमने सीखा कि सी चार्ट कैसे बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि सी चार्ट के यूज कहाँ करे जा सकते हैं। तो बेसिकली सी चार्ट वहां यूज होता है जब प्रोडक्ट के अंदर कई सारी चीजों को इंस्पेक्ट करा जाता है एक ही प्रोडक्ट के अंदर, और उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे अगर हमारा 1 किलोमीटर लंबा रोड है, उसके अंदर कितने सारे पॉट होल्स है, कितने सारे उसमें खड्डे हैं, उसे हम डिफेक्ट्स कह सकते हैं। या हमारे पास में एक रेडियो सेट है, एक लैपटॉप है, उसको बनाने में उसके मदरबोर्ड में या उसके अंदर लगने वाले पार्ट्स में कितने कितने डिफेक्ट हो सकते हैं, वहाँ हम उसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक सोडा बॉटल के अंदर कितने सारे बबल्स फूट सकते हैं, इसे हम सी चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, सी चार्ट के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्लियर हो गया होगा कि सी चार्ट्स के ये यूज़ है। तो एसक्यूसी के टॉपिक के बारे में एकदम ब्रॉडली हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमने पढ़ा एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, फिर हमने पढ़ा पी चार्ट, एनपी चार्ट, फिर हमने पढ़ा सी चार्ट। बेसिकली हम लोगों को अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, और आपके एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल चार्ट एंड एट्रीब्यूट चार्ट, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस से है और इनमें कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करा जाता है। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को
यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है वेरिएबल चार्ट और क्या होता है एट्रीब्यूट चार्ट और उनका डिफरेंस। चलिए सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल चार्ट की, तो वेरिएबल चार्ट में एक्स बार चार्ट और आर चार्ट बनाए जाते हैं, पर एट्रीब्यूट चार्ट में बनाए जाते हैं पी, एनपी और सी चार्ट। दूसरी बात, वेरिएबल चार्ट जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर कम सेंसिटिव होते हैं पी, एनपी और सी चार्ट। तीसरा पॉइंट हो सकता है, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट को कंप्यूट करने में, उसकी वैल्यूज को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा पैसे लगते हैं, रिसोर्सेस लगते हैं, पर पी, एनपी और सी चार्ट बनाने में कम रिसोर्सेस लगते हैं, कम कॉस्ट लगती है। तीसरी बात, एक्स बार चार्ट और आर बार चार्ट बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इनकी थियरी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होती है, पर पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट जो है वो पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स बार और आर चार्ट तब यूज करते हैं जब क्वालिटी मेजर करी जा सके, क्वालिटी के वेरिएबल को मेजर करा जा सके, और पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब हम क्वालिटी की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते हम, या कितने प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स है, इन चीजों के बारे में हम पी, एनपी और सी चार्ट के बारे में है। होपफुली आपको ये एसक्यूसी के वीडियो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे दूसरे रिलेटेड टॉपिक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।